पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, लेकिन वाटरफॉल्स देखने के लिए मैं पूजा से थोड़ा सा आगे निकल के आया हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम बर्मंस ब्लॉग आप लोगों को आज लेके चलते हैं आसाम के एक कम्युनिटी दिखाने के लिए। उन लोगों से बात करेंगे, और कम्युनिटी की जब बात आते हैं तो आसाम में वेरियस कम्युनिटी, थाउजेंड्स ऑफ कम्युनिटीज, वेरियस एथनिक ग्रुप्स अवेलेबल है, और ये ग्रुप दूसरा ग्रुप को कोऑपरेट करके उन्हीं लोगों का जो भी कल्चर, जो भी ट्रेडिशन रहता है, वो फेस्टिवल्स वगैरह वो लोग सेलिब्रेट करते हैं हमेशा। राभा हसंग करके राभा एक जाति है, राभा एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी को इन लोगों का बाइखो पूजा करके हर साल ये लोग मनाते हैं। तो आज हम वही बाइखो पूजा देखने के लिए आप लोगों को लेके चलेंगे। आप लोगों को ये वीडियो देख के मजा आएगा, प्लीज बी विद मी इन दिस वीडियो टिल द एंड। और एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा ग्रामीण विभाग का हम फील लेंगे, थोड़ा सा नेचर का ये दिखाएंगे, बिकॉज हिल स्टेशन की जब बात आते हैं, नॉर्थ ईस्ट का नाम हमेशा लोगों के मुंह में आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए आपको पहले ही आसाम आना पड़ेगा, बिकॉज आसाम इज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये हिल स्टेशन और इसी के साथ साथ नेचुरल आर्ट क्या है वो थोड़ा सा देखेंगे, और लोगों से बात करेंगे, उन लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह, ट्रेडिशनली ये लोग ये जो बाइखो पूजा है ये पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग दिखा देंगे, कॉम्पिटिशन वगैरह क्या होता है। तो एक्चुअली हम लोग लेट हो गए हैं ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ द रेन, हैवी रेन, और यहाँ गुवाहाटी में बारिश ही बारिश है, हर जगह पानी ही पानी हो गए हैं, बाढ़ आ गए हैं गुवाहाटी के अंदर में, तो हम लोग फंस गए थे। और चलिए अभी जाके देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा वाला थोड़ा सा आप लोगों को स्नैप्स दिखा सकूं। ये जो कम्युनिटी है इन्हीं लोगों का पूजा अभी चालू है, तो हम थोड़ा सा देखेंगे। ये गेट लगाए हैं, वेलकम किए हैं सबको, देखो जिसको बोलते हैं बाइखो। यहाँ नेचर को हमेशा सम्मान दिया जाता है, इसलिए हम आप पहुँचे हैं जहाँ पूजा चालू है। हम अभी पहुँच नहीं वाले हैं, लेकिन यहाँ तो पानी ही पानी है, ये पानी क्रॉस करके हमको जाना होगा। कहाँ 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 ऐसा ऐसे पाल हाँ थोड़ा मोड़ा तो थोड़ा, वेरी गुड, कमान कमान, वेरी गुड। देखिए हम लोग यहाँ आ पहुँचे हैं, ये जहाँ पूजा चालू है, तो ये कमिटी का मेंबर है और हमको थोड़ा सा आगे से स्वागत करने के लिए आ गए हैं। चलिए हाय कर दीजिए एक बार। पूजा चालू है अभी, एक हम कंपटीशन देख पाएंगे, एक्चुअली हम लोग पहुँचते पहुँचते लेट हो गए हैं, अभी लोगों को थोड़ा सा प्रसाद बांट रहे हैं, इसके बाद ये जो कंपटीशन है वो चालू हो जाएगा। ये जो बेसिकली है बाइखो डेरा, और इसी में एक्चुअली क्या है, जो स्टूडेंट लोग रहते हैं इन लोगों को भी सम्मान दिया जाता है, जो भी इन लोगों को फेलिसिटेट करते हैं, साथ ही साथ में इन लोगों को प्लांट वगैरह दिया जाता है। स्टैंडिंग स्टूडेंट लोग हैं, सबको ये कम्युनिटी फेलिसिटेट करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। तुमको ये सर्टिफिकेट क्यों दिए हैं? मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पाने के लिए। मैट्रिक मतलब हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, राइट? तो ये टेंथ का एग्जाम रहता है, बसर पुले घर रुबले दिसे, घर में प्लान करने के लिए दिए हैं, है ना? वेरी गुड, चलो विश यू ऑल द बेस्ट। प्रसाद है इसमें क्या क्या रहता है? ये गहरी का प्रसाद है, ये इसमें चावल है, दाल है, वेरी मार दाली की दाल। थोड़ा सा ये दिखा दो, प्रसाद दिखा दो, और ये चम्मच दिखा दो, स्पून देखिए, ये नारियल का पत्ता है। देखिए सब लोग प्रसाद का मजा ले रहे हैं। देखिए ये लड़की लोग कपड़े जो पहने हैं, ये राभा का ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये अंकल है ये कमिटी का पुजारी, अंकल से हम लोग जानेंगे ये बाइखो पूजा का मतलब क्या होता है और ये क्यों हर साल मनाया जाता है। बाइखो पूजा राभा जातीय उत्सव है, वो थाई का नाम देवपानी है, देवपानी। अच्छा, ये जगह का नाम है देवपानी, देवपानी। और ये जो बेसिक बाइखो तेरा जो पूजा है, ये एक्चुअली राभा हसंग जो कम्युनिटी है इन लोगों का मेन पूजा रहता है हर साल। राभा हसंग का नहीं, राभा जाति का, पूरा राभा जाति का ये पूजा मेन पूजा रहता है। वो देव देवी का नाम ऐसा है, मामा शिवधर्मा और शिशुरानी, माई आया संपाई, माई सारी,
दादुरी। ये देव देवी का नाम है? देव देवी का नाम है। ये बहुत सारे नाम है जो हम याद नहीं कर पाएंगे भगवान देव देवी का। और अच्छा ये मुझे बताइए, अभी ये जो प्रोग्राम आप लोग अरेंज करते हो हर साल, तो ये इसमें मतलब कम्प्लीट बिहू जैसा होता है, असमीज जैसे असमिया का बिहू होता है उसी टाइप का सेलिब्रेशन होता है, और इसमें बच्चे लोग कंपटीशन वगैरह करते हैं? क्या क्या कंपटीशन रखते हैं? लेवाताना और खोखची नृत्य कर रहा है। अच्छा। तो राभा जाति का जो डांस, वो डांस का नाम खोखची। अच्छा ये जो आप लोगों का एरिया है, क्या नाम बताया था ये जगह का? देवपानी गुहा गुहा बोल रहा है ना, वो पूरा महत्व है देवपानी जगह पहाड़ में ऊपर में वो जलप्रपात ऊपर है क्या वो ऐसा मतलब वाटरफॉल्स दिखेगा क्या? अभी हम जाके देख सकते हैं क्या? देखेगा। ठीक है, हम वो वाटरफॉल्स भी लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि ये तो पूरा नेचर से भरा हुआ है एनवायरनमेंट का, क्योंकि लोगों को बच्चे लोगों को जो मैट्रिक में जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट किए हैं टेंट के एग्जाम में, तो इन लोगों को सम्मान दिया गया है, फेलिसिटेट किया गया है, सर्टिफिकेट दिए हैं, साथ ही साथ में एक एक प्लान दिया गया है, ये पौधा दिया गया है पेड़ का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए लोग ऊपर से वाटरफॉल्स देख के आ रहे हैं, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा लेकिन वाटरफॉल्स देखने के लिए। मैं पूजा से थोड़ा सा आगे निकल के आया हूँ, इसीलिए आया हूँ ताकि आप लोगों को वाटरफॉल्स दिखा सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, पेड़ है सौगन का, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। ऊपर से आगे क्या हिरे नहीं तुम लोग? हेलो, देखा ही नहीं, बोलो। हाँ चलिए आइए आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जंगल होते हुए जंगल के बीच में से जाना पड़ेगा ऊपर तक, और बढ़िया सा एक वाटरफॉल्स दिखाएंगे स्लीपरी। हाँ, ओह माय गॉड, बहुत स्कीडी है, यहाँ तो गिर जाएंगे लोग। बहुत ही सुंदर नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहुंच भी रहे हैं, और मेरा दावा है कि आप लोग खुश हो जाओगे ये वाटरफॉल देख के। थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ से। ओ माय गॉड, बहुत रिस्की है लेकिन अगर गिर जाऊंगा तो फिर और ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाऊंगा आगे जाके। चलिए, ओ माय गॉड, देखिए मुझे हेल्प करने के लिए आ गए मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। अरे बाप रे, स्किप करता है तो माय गुडनेस। रुके रुके रुके, ओ यही रकम, थैंक यू सो मच। अरे वाह, नजारा ही कुछ अलग है। ये देखिए पूरा मजा लीजिए, पूरा एरिया का मजा लीजिए, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त। वाह देखिए, यहाँ से पूरा नीचे चला जा रहा है पानी। वाह, यहाँ आके तो मुझे जाने का मन ही नहीं हो रहा, सच में बहुत ही जबरदस्त है। ये देखिए, ये है असम का आर्ट जो हैंडीक्राफ्ट, कैनन बैम्बू हैंडीक्राफ्ट है। ये यहाँ से पूरे इंडिया में इवन ओवरसीज मार्केट में इसको सप्लाई किया जाता है। तो ये देखिए, ये असम का आर्ट होता है, इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत आर्टिस्टिक होता है, और ये नेचर से बनते हैं तो इको फ्रेंडली भी होते हैं, और घर में जब आप ये सजा के रखते हो तो उसका लुक ही कुछ अलग ही होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पूजा की तरफ। इट इज फॉर्चुनेट दैट हम लोग आ पहुंचे हैं यहाँ, और फॉर्चुनेटली हम कंपटीशन है, इसको लोहाटाना बोलता है, ये कंपटीशन को दोनों साइड में खींचते हैं, तो खींच के ले जाएगा वो जीत जाएगा। अभी मेरे साथ बने रहिएगा, ये देखते हैं। चलिए चलिए हम भी लगाते हैं, ये जाएंगे ये देखिए लास्ट कंपटीशन, ये दिखा के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे।
ये देखिए इन लोगों को खींच के लेके आए हैं। चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और वी प्रॉमिस यू टू मीट यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कंफर्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।